अपनी मांग को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे पारा शिक्षक। 5 राज्यों में हुए चुनाव में भारी शिकस्त खा चुकी बीजेपी के लिए झारखंड में परेशानी बढ़ने के आसार तेज हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे पारा शिक्षक अब अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं। गुरुवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की गोड्डा जिला इकाई के जिला सचिव अमरेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि अगर हमारे मांगे जल्दी पूरी नहीं की जाती है तो 27 दिसंबर के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया कि रघुवर सरकार 20% वेतन वृद्धि सशर्त की घोषणा मौखिक रूप से की गई है, मगर अभी तक लिखित कुछ नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कल्याण कोष में 10 करोड़ दिया जाना है, मगर इस 10 करोड़ देने के लिए प्रत्येक पारा शिक्षक से 200 रुपये प्रति माह लिया जाएगा। आगे गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर विचार नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने में यहां के पारा शिक्षक कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष शफीक आलम, सुंदर पहाड़ी से सुबोध कुमार मंडल और संजीव कुमार, गोड्डा से सूर्य कुमार यादव, नसीमुद्दीन अंसारी, पत्थरगामा से कुमुद रंजन प्रसाद और विनोद यादव मौके पर उपस्थित नजर आए। आप लोग जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं? हम लोग जो अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर एकत्रित हुए हैं। हड़ताल अभी चल रहा है और आगे चलते भी रहेगा। जब तक हमारी मांग की पूर्ति नहीं होता है तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। अगर ये झारखंड सरकार हमें नहीं सुनती है बातों को, तो हम लोग जो है इस बार दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देने के लिए तैयार हैं और हम लोग चलेंगे। लगातार 16 नवम्बर से हड़ताल में है और हड़ताल में रहेंगे। इस तरीके से 5 राज्य में जो है भाजपा सरकार को काला मुंह देखना पड़ा है, उसी तरीके से हम लोग भी झारखंड के जो भाजपा नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको भी काला मुंह देखना पड़ेगा। और उनका जो रवैया अपनाए हुआ है और लड़ा हुआ है कि हम नहीं झुकेंगे, हम लोग पारा शिक्षक उसको झुका के दिखाएंगे। और किसी भी कीमत पर हम लोग जो है आने वाला लोकसभा चुनाव उसका 14 सीट में 1 सीट भी जीतने नहीं देंगे। यह हमारे सभी पूरे जो है हमारे झारखंड राज्य के सभी पारा शिक्षकों ने संकल्प लिया है। जहाँ जहाँ भी सीएम जाएगा वहाँ हम लोग उसको काला झंडा।